तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो हम आज डिस्कस करेंगे स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है क्या और इसका सॉल्यूशन सीमाफोर्स की हेल्प से हम किस तरीके से निकालते हैं। सीमाफोर्स हम पिछले वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है क्या पहले ये समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज ए बार्बर शॉप विच कंसिस्ट ऑफ ए वेटिंग रूम विद एन चेयर्स एंड वन बार्बर चेयर। बार्बर या शॉप में क्या होता है, एक वेटिंग रूम होगा जहाँ पे एन चेयर्स जहाँ पर लोग हेयर कट के लिए वेट कर रहे होंगे, और एक मेन चेयर होगी बार्बर चेयर जहाँ पर जो पर्सन अपने हेयर कट कराना चाहता है वो बैठा होगा। ठीक है, अगर कोई कस्टमर नहीं है जिसको सर्व करना है, इफ देयर नो कस्टमर टू बी सर्व देन बार्बर गोज टू द स्लीप बार्बर गो टू द स्लीपिंग रूम। ठीक है, अगर कस्टमर एंटर करता है शॉप में, इफ ए कस्टमर एंटर इन द शॉप एंड ऑल चेयर्स आर ऑक्यूपाइड और सारी चेयर्स के हैं ऑलरेडी फिल्ड हैं, देन व्हाट विल कस्टमर डू, द कस्टमर विल लीव द शॉप। ठीक है, ये कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ चेयर्स आर अवेलेबल, अगर चेयर्स अवेलेबल हैं तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर बैठ जाएगा वन ऑफ द फ्री चेयर्स पे। ठीक है, अगर बार्बर बिजी है, अगर बार्बर फ्री है तो उसके पास जाके बैठ जाएगा हेयर कट के लिए, और अगर बार्बर ऑलरेडी बिजी है तो कस्टमर क्या करेगा, जो भी फ्री चेयर्स हैं उन पर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लिया वो पहुंचता है पहला कस्टमर और बार बार उस समय स्लीपिंग कर रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर मैन चेयर पर बैठेगा बार्बर की पे हेयर कट के लिए और वेकअप कर देगा बार्बर को कि भाई मेरी हेयर कट करना है। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, क्यों कहते हैं इसको स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम इसको इसलिए करते हैं कि कस्टमर जो है वो क्या करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय बार्बर एक कस्टमर को बिठा रहा हो अपनी मेन चेयर पे हेयर कट के लिए, उसी समय क्या हो सकता है जो कस्टमर, देखिए इसमें दो प्रोसेस है, मान ली कस्टमर प्रोसेस और बार्बर प्रोसेस। जब कस्टमर एंट्री करेगा बार्बर की शॉप पे तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को एक बढ़ा देगा। भाई चार कस्टमर वेट कर रहे थे, पांचवा कस्टमर घुसा, उसने क्या किया, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर बढ़ा दिए कि भाई पांचवा है। और मान लो सेम टाइम पर बार्बर प्रोसेस क्या कर रहा होगा, एक कस्टमर को उठाकर अपनी मेन चेयर पे बिठा रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, वेटिंग कस्टमर को एक घटाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो कस्टमर और बार्बर दोनों ही क्या कर रहे हैं, कस्टमर और बार्बर, ऐसा पॉसिबल है कि सेम टाइम पर जो नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स हैं उस वेरिएबल को, जो कॉमन वेरिएबल है उसको अपडेट करने की कोशिश करें एक साथ। ठीक है, जो कस्टमर है वो तो वेटिंग नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को प्लस करने की कोशिश करेगा, और बार्बर उसी समय हो सकता है कि नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर को माइनस करने की कोशिश करे। तो इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकालना है ये हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द सीमाफोर्स, कि कैसे कंट्रोल किया जाए एक्सेस को। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम यूजिंग द सीमाफोर्स। सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ फ्री चेयर्स हमारे पास कितनी है, फाइव चेयर्स हैं, और इनिशियली नंबर ऑफ कस्टमर्स के हमारे पास जीरो हैं। इनिशियल नंबर ऑफ फ्री बार्बर्स इक्वल टू जीरो, फ्री बार्बर्स मतलब जो बार्बर है इनिशियली वो बिजी है, तो इनिशियल नंबर ऑफ फ्री बार्बर्स कितने हैं, जीरो हैं। म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स वो टोकन वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करेंगे कि कौन यूज करेगा, कौन वेटिंग कस्टमर को, वेटिंग की वेरिएबल को यूज करेगा म्यूटेक्स वेरिएबल की हेल्प से। तो म्यूटेक्स वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जिसके पास ये म्यूटेक्स वेरिएबल होगा यानी कि जिसके पास ये टोकन होगा वही आपका वेटिंग वेरिएबल को अपडेट कर पाएगा। और इनिशियली हमने क्या एज्यूम किया कि नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स क्या हैं, जीरो हैं, यानी कि शुरुआत में कोई भी कस्टमर नहीं है, सारे कस्टमर वेटिंग पे हैं। ये हम मान के चलेंगे कि कस्टमर प्रोसेस और बार्बर प्रोसेस एक साथ वर्क कर रहा हो। सबसे पहले मान लो जिसके पास हमने बताया था, जिसके पास ये म्यूटेक्स मिल जाएगा वही काम करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर टोकन हासिल करने की कोशिश करेगा, म्यूटेक्स क्या है, वन, तो जिसको पहले म्यूटेक्स मिल गया वो पहले काम करेगा। अगर मान लिया कस्टमर आता है उसको क्या मिल गया, म्यूटेक्स वन, तो वो क्या करेगा, वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जैसे ही म्यूटेक्स की वैल्यू जीरो हुई तो फिर बार बार उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा म्यूटेक्स। ठीक है, तो टोकन किसको मिल गया, कस्टमर को, म्यूटेक्स एक टोकन है जो कस्टमर को मिल गया, और इसने वेट म्यूटेक्स करते क्या हुआ, म्यूटेक्स की वैल्यू वन से जीरो हो गई, इसका मतलब अब कोई म्यूटेक्स को यूज नहीं कर पाएगा। टोकन कब वर्क करता है, जब टोकन की वैल्यू वन होती है, और जैसे इसकी वैल्यू वेट करते जीरो हुई अब कोई भी बार बार वगैरह यूज नहीं कर पाएगा। तो किसके पास होगी सारी परमिशन वेटिंग को अपडेट करने की, जो कॉमन वेरिएबल की, कस्टमर के पास, जिसके पास टोकन वही अपडेट कर पाएगा। तो अगर इसको मिल जाता है मान लीजिए कस्टमर को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने टोकन ले लिया, उसके बाद चेक किया कि जो नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर हैं उनसे चेयर
नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर लेस है या चेयर से नहीं, यानी कि चेयर ज्यादा है नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर से, अगर यस है यानी कि चेयर अगर ज्यादा है यानी कि जगह है तो वो क्या करेगा, जो ये कॉमन वेरिएबल है जिसके लिए उसने टोकन लिया है, वेटिंग कस्टमर्स को एक बढ़ा देगा। मान लिया अगर जीरो कस्टमर वेटिंग में तो जीरो प्लस वन हो जाएगा कि नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में कितने कस्टमर आ गए आप शॉप में, वन। भाई पहला कस्टमर आ गया, अभी तक कस्टमर कितने चले थे, जीरो। सिग्नल कस्टमर करते क्या हुआ, सिग्नल क्या करता है, सिग्नल वैल्यू को एक बढ़ा देता है। तो सिग्नल कस्टमर का मतलब कस्टमर इक्वल टू कस्टमर प्लस वन, कस्टमर की वैल्यू वन होगी पहला कस्टमर आ गया, ठीक है। इसने अपना काम कर लिया, वेटिंग को अपडेट कर दिया। इसके बाद ये क्या करेगा, सिग्नल म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को रिलीज कर देगा यानी टोकन को रिलीज कर देगा। तो टोकन क्या चल रहा था, म्यूटेक्स क्या चल रहा था, तो जीरो, तो किसने ले रखा था टोकन। सिग्नल म्यूटेक्स क्या करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को वन कर देगा, ठीक है। म्यूटेक्स की वैल्यू वन हो गई यानी कि टोकन रिलीज हो गया। अब कोई दूसरा अगर बार बार चाहे तो टोकन को एक्सेस कर सकता है क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू वन है, ठीक है। तो सिग्नल हो गया म्यूटेक्स, उसके बाद ये किसका करेगा, ये क्या करेगा, बार्बर क्या है, जो बार्बर है वो उसको बार्बर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे बाल कटाने। तो अगर बार्बर फ्री है, ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर नंबर ऑफ फ्री बार्बर जीरो है तो ये काम नहीं करेगा। अगर बार्बर फ्री है तो बार्बर की वैल्यू क्या होगी, वन। अगर बार्बर नंबर ऑफ फ्री बार्बर जीरो है तो काम नहीं होगा। अगर बार्बर वन है यानी कि बार्बर बाल काटने के लिए फ्री है तो ये क्या करेगा, वेट बार्बर, बार्बर की वैल्यू वन से जीरो कर देगा, यानी कि बार्बर को भी एक्वायर करने की कोशिश करेगा क्योंकि बार्बर भी क्या है, एक सीमाफोर है। और बार्बर की अगर वैल्यू वन है यानी बार्बर फ्री है तो बार्बर को भी ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा और अपने हेयर कट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, मेरे हेयर कट कर दी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर चेयर्स ग्रेटर देन नहीं है जितने भी वेटिंग करने वाले लोग हैं, यानी चेयर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, सिग्नल म्यूटेक्स। भाई इसने म्यूटेक्स ले रखा था टोकन और इसको चेयर मिली नहीं, चेयर है ही नहीं, चेयर कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये क्या करेगा, म्यूटेक्स को सिग्नल कर देगा, भाई टोकन को रिलीज कर देगा कि भाई मुझे नीचे टोकन और शॉप से चला जाएगा क्योंकि तो जगह है ही नहीं इसके बैठने के लिए। अब देखिए बार्बर कोड क्या कर रहे हैं, बार्बर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले भाई कस्टमर क्या करना है, उस कस्टमर वेटिंग थे, जो भी कस्टमर आया था उसने बढ़ा दिया था एक कस्टमर, सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर को घटाएगा। वेट कस्टमर क्या करता है, वेट कस्टमर का मतलब है अगर कस्टमर वन है तो वेट कस्टमर का मतलब कितने कस्टमर को वेट कराएगा, एक कम हो जाएगा कस्टमर। भाई जब इसको बाल काटने होंगे सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर को एक कम करेगा, भाई इसको तो बाल काटने के लिए ले जाना है उसे, तो नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर इसने एक घटा दिया। वेट कस्टमर का मतलब कस्टमर इक्वल टू कस्टमर माइनस वन, हमने ऑलरेडी बताया था कि वेट क्या करता है, एक वैल्यू को घटा देता है। तो अगर कस्टमर की वैल्यू जीरो है इनिशियली तो ये काम करेगा ही नहीं, भाई बार बार कोई काम करेगा नहीं, लेकिन कस्टमर आ गया अगर पहला तो वेट कस्टमर से कस्टमर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कस्टमर इक्वल टू कस्टमर माइनस वन, यानी कस्टमर को एक घटा देगा क्योंकि अब इसे उस कस्टमर को बाल काटने के लिए ले जाना है, ठीक है। और वेट म्यूटेक्स क्या करता है, टोकन लेने की कोशिश करता है। टोकन क्यों ले रहा है, क्योंकि अब ये कॉमन वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है। तो अगर इसने रिलीज कर दिया, पहले वाले ने अगर टोकन रिलीज कर दिया, ये सिग्नल कर दिया है म्यूटेक्स को, तो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, वन। तो ये वेट म्यूटेक्स करके क्या करेगा, उसकी म्यूटेक्स की वैल्यू को फिर से जीरो कर देगा, यानी कि टोकन एक्वायर कर लेगा। जैसे ही वेट म्यूटेक्स होगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू वन से जीरो हो गई और अब टोकन किसके पास आ गया, बार्बर के पास। टोकन उसके पास आता है जिसके म्यूटेक्स की वैल्यू वन मिल जाती है। अब इसने म्यूटेक्स को जीरो कर दिया, अब कोई भी कस्टमर भी नहीं ले सकता। और इसने क्यों लिया टोकन, क्योंकि ये क्या करने जा रहा है, वेटिंग इक्वल टू वेटिंग माइनस वन, जो कॉमन वेरिएबल है वेटिंग वाला जो ये बढ़ा रहा था उसको ये घटाने जा रहा है। जिसके पास टोकन होगा उसी टाइम वही एक्सेस कर पाएगा वेटिंग को। तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर ये घटा दी। क्यों घटा दी नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर, कि उसने कस्टमर को उठा के बिठा लिया है, ठीक है। तो कस्टमर नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर उसके क्या हो गए, घट गए, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, सिग्नल बार्बर, अगर बार्बर खाली था यानी कि अभी तक बार्बर नंबर ऑफ फ्री बार्बर की जीरो थे, तो सिग्नल कर देगा बार्बर को कि हाँ मैं बाल काटने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो बार्बर की वैल्यू को क्या कर दिया ना, सिग्नल बार्बर मतलब बार्बर इक्वल टू बार्बर प्लस वन, सिग्नल वैल्यू को बढ़ाता है, यानी अब बार्बर एक्टिव मोड में आ गया कि मुझे बाल काटने हैं। और साथ ही साथ क्या करेगा, इसका काम खत्म हो गया किससे, वेटिंग वाले से। वेटिंग किस लिए यूज कर रहा था, कॉमन वेरिएबल था। म्यूटेक्स का काम खत्म टोकन का, सिग्नल म्यूटेक्स करते टोकन इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दी। टोकन रिलीज यानी टोकन की वैल्यू फिर से क्या कर दी, इसने वन कर दी। अब चाहे तो दूसरा कस्टमर एक्वायर कर सकता है। और ये क्या करने लग गया, इसको बिठाया था चेयर पे, उस कस्टमर की हेयर कट करने लग गया, ठीक है। तो कस्टमर और
बारबर क्या कर रहे हैं, पहले तो टोकन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास टोकन आ जाएगा म्यूटेक्स, उसके बाद ये चेक करेगा क्या चेयर कम है कि नहीं, चेयर अवेलेबल है कि नहीं। अगर चेयर अवेलेबल है तो वेटिंग कस्टमर बढ़ा देगा और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ा देगा, साथ में फिर टोकन को रिलीज कर देगा और बारबर को एक्वायर कर लेगा कि मैं बाल काटने, उसका बाल कटाएगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि चेयर्स नहीं है, तो ये टोकन को रिलीज कर देगा सिग्नल म्यूटेक्स करके और चला जाएगा। और बारबर क्या कर रहा है, बारबर पहले चेक करेगा कस्टमर है कि नहीं, अगर कस्टमर जीरो है तो ये वाली लाइन काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली वेट कभी भी काम नहीं करता अगर अंदर वैल्यू ब्रैकेट में जीरो है। तो अगर कस्टमर कम से कम एक भी है तो ये काम करेगा, कस्टमर को हटाएगा एक, भाई इसको कस्टमर को बाल काटने के लिए ले जाना है मैन शॉप, मैंने अपनी उस पर चेयर बैठाना है। तो एक कस्टमर कटाया और साथ में टोकन हासिल किया। टोकन क्यों हासिल किया, क्योंकि ये कॉमन वेरिएबल को हमने बताया था अपडेट करना चाहता है। तो इसने क्या किया, टोकन हासिल किया, और टोकन हासिल करने के बाद वेट म्यूटेक्स करके टोकन इसको मिल गया, उसके बाद इसने नंबर ऑफ वेटिंग कस्टमर घटा दिए, वही एक कस्टमर अब कम वेट करेगा जब ये ले आया उसके बाल काटने के लिए, और साथ में अपने आप को एक्टिव कर लिया, यानी कि सिग्नल बार बार कर दिया कि मैं अब बाल काटने के लिए रेडी हूँ। और अपना बाल काटने के लिए रेडी होने के बाद टोकन ये रिलीज कर देगा, जो म्यूटेक्स टोकन है उसको रिलीज कर देगा, कैसे, म्यूटेक्स को फिर से वन करके, और अपना बाल काटने में लग जाएगा। इस तरीके से कस्टमर और बार्बर दोनों एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, जब बार्बर हेयर कटिंग कर रहा होता है उसी समय कस्टमर शॉप में भी आ रहा होता है, और दोनों ही कॉमन वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो उसका सॉल्यूशन हमने बताया, सॉल्यूशन क्या है कि म्यूटेक्स एक सीमाफोर यूज करके इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को हम सीमाफोर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। काफी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई आपको डाउट है देन यू कैन आस्क।